और इधर कंटिन्यू जो रेट बढ़ा रहे हैं ये आएगा, एक बार बढ़ाएगा तो शायद रिवोल्ट होगा। इसलिए आपने जो कहा कि 25 पैसा 50 पैसा 60 पैसा करके बढ़ा रहा है और कंटिन्यू जो बढ़ गया है इस तरह का रेट, ये इसका हम लोग विरोध करते हैं और मोदी जी से यही आग्रह कर रहे हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने वादा किया था, आपने कमिटमेंट किया था, तो हम लोग आपसे ज्यादा नहीं मांगते हैं, 14 वाला ही दिन हम लोग वापस कर दीजिए, इससे ज्यादा। देश में पेट्रोलियम पदार्थों, गैस सिलेंडर की कीमत तथा महंगाई के विरोध में धनबाद रणधीर वर्मा चौक में अनोखे तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई मुक्त भारत बैनर तले कांग्रेस नेता कार्यकर्ता धरना स्थल में थाली घंटी बजाकर महंगाई के खिलाफ विरोध धरना दिया। धरना स्थल पर बाइकों को रख पूजा कर अपनी नाराजगी जताई। वहीं महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर आक्रोश व्यक्त किया। धरना में जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो सहित महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने सभी वायदों को भूल चुके हैं। महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, जनता महंगाई कम करने के वायदों को लेकर अपना वोट दी थी, लेकिन आज पेट्रोल 100 पार, गैस सिलेंडर 1000 के पार हो गया। महंगाई से गरीब लोगों की थाली से अनाज गायब हो गया है। प्रधानमंत्री जी 2014 वाला दिन वापस दे रहे हैं। हम लोग मोदी को ये याद करवा रहे हैं। मोदी भाषण करते थे तो कहते थे महंगाई कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज हम लोग वही बात उनको याद दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके राजपाट में, आपके राजपाट में लोग भूखे सो रहे हैं, ये थाली लेकर बैठे हुए हैं लोग, ये राज्यव्यापी नहीं राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है कांग्रेस का, और पूरे देश में ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है, ये गरीब लोग के थाली में रोटी नहीं है और पेट्रोल भराने के लिए पैसा नहीं है, गरीब मर रहा है, किसान मजदूर त्राही त्राही कर रहा है, और आपने जो वादा किया था आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। न महंगाई कम किया, न भ्रष्टाचार भगाना कम किया, उल्टा महंगाई को बढ़ाने का काम किया। उस समय 55-60 रुपए का पेट्रोल डीजल था और वह आज 100 से पार हो गया। आज सिलेंडर का जो रेट है उस समय 425 रुपए का था, आज सिलेंडर 1000 से ऊपर हो गया। यही ना आपने दिया है, तो हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि मोदी जी वादा ये पूरा नहीं किए, वादा खिलाफी जनता के साथ किए हैं, और इधर कंटिन्यू जो रेट बढ़ा रहे हैं ये आएगा, एक बार बढ़ाएगा तो शायद रिवोल्ट होगा। इसलिए आपने जो कहा कि 25 पैसा 50 पैसा 60 पैसा करके बढ़ा रहा है और कंटिन्यू जो बढ़ गया है इस तरह का रेट, ये इसका हम लोग विरोध करते हैं और मोदी जी से यही आग्रह कर रहे हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने वादा किया था, आपने कमिटमेंट किया था, तो हम लोग आपसे ज्यादा नहीं मांगते हैं, 14 वाला ही दिन हम लोग वापस कर दीजिए, इससे ज्यादा।